and subscribe YouTube. Young friends, I am extremely happy to have come here because this institution is very close to my heart and this institution has gone through very big ups and downs. I want to tell you only one thing, that you are very lucky that you have got a very good infrastructure in your school. You have got good building, you have got computers, you have got good teachers, you have got good management to take care of you people, and all are together trying to shape up your future. Now it is your turn to study well and come up in life. I was in other schools, other government-run schools before coming here, including the whole delegation. The DDPI was with us, DO was with us. There you don't have proper building, they don't have current facility, they don't have water, they don't have proper toilets. The strength of the teachers are less. But you know what? The result of that school is better than the result of this school. What you have, they don't have. But the commitment of the students there is much better than the commitment of the students. Yeah. Who can change this? Who has to change it? For that, what you should do? Hard work and study well. If you don't study well, if you don't work hard in your studies, you will disappoint all of us who want to help you grow up in life, and you will also do big disservice to yourself. Today you have nothing to complain. You have everything. Only thing is you have to study. Okay? And the whole onus of your performance is not on the school itself, or not on the management or the education department. It should be on you and your parents also. घर पे बच्चे वापस आने के बाद आपको उनके होमवर्क चेक करने हैं, क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए बोलकर एक 10-15 मिनट उनको बात करना है, थोड़ा बहुत उनको आपने पढ़ाई की है नहीं पढ़ाई की है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है ये पहला जनरेशन है जो स्कूल को आया हो, लेकिन आपकी तवज्जो इनके एजुकेशन के लिए आपको देंगे। मैं पेरेंट्स से खास तौर से मैं इंतजार कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक आप इन पर तवज्जो नहीं देंगे, कितना भी स्कूल में पढ़ाया जाए, उन लोगों को रिजल्ट देना मुश्किल होगा। तो मैं आपसे इंतजार कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा उस पर तवज्जो दें। सिर्फ 28% रिजल्ट है, या बिना पढ़ाए बिना बिल्डिंग के कुछ भी एक पेड़ के नीचे भी बच्चों को बिठाए तो इससे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इससे तो बुरा रिजल्ट नहीं हो सकता। और अगले साल जब आप अच्छा रिजल्ट देंगे
और आप में से जो हाईएस्ट मार्क निकालेंगे उसके लिए हम अलग कुछ रिवार्ड देंगे। और मैं हर 1 महीना 45 दिन में मैं खुद आऊंगा, आपके क्लास को भी आऊंगा, सरप्राइज भी आऊंगा। अभी कोई दिक्कत है जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो दिक्कत जो है वो बताइएगा, आपके पेरेंट्स को बताइए, टीचर्स को बताइए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताइए, या मुल्ला साहब हमेशा मौजूद बहुत वक्त लेंगे, इमैनुअल आपके हेडमिस्टर हैं, हेडमास्टर हैं, उनको बताइए। कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम एक ही है कि आपको पढ़ना है और हार्ड वर्क करना है। और 10th आपका फाउंडेशन है, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर आगे आप कौन से कॉलेज जाएंगे, कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा, कट ऑफ मार्क्स 85-90% होगा तो कैसे होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 10th के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को स्पेशल कोचिंग भी देने का अरेंजमेंट किया गया है, स्कूल के आवर्स के बाद आपको स्पेशल कोचिंग दी जाएगी। और कुछ और दिक्कत हो तो वो भी बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एक नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, ये स्कूल तकरीबन 100 साल पुराना स्कूल है, 100 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो 100 साल से पुराना स्कूल की एक तारीख होती है, हिस्ट्री होती है, उसके साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सब मिलकर के आपके मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप में मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास करवा रहा हूँ। अगर मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया होगा तो आज आपके सामने खड़े होकर मैं बात भी नहीं कर सकता। आज अगर आपने मुझे MLA बनाया है, कल असेंबली के अंदर बात करना है तो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, फिर बात करना पड़ेगा। बिना तालीम के हो सकता है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं फिर आपसे आकर मिलूंगा। सारे लोग हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के DGP सब लोग यहाँ टच में रहेंगे, मैं मुल्ला साहब भी यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेंगे, आप लोगों के ऊपर पूरी तवज्जो हम देंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा लाना है। लाएंगे? जोर से बोलिए। आप एक पेरेंट्स के साथ अलग मीटिंग करिए, उन सबको भी बताइए कि घर में बच्चों को एजुकेशन पर टाइम देना है। और हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, हमने नीचे बात कर लिया है, वो जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे, ठीक है। छोटे मोटे जो इश्यूज थे वो भी हमने खुल के डिस्कस किया है, वो भी हम करेंगे। तो अगला जब मीटिंग होगी तो थोड़ा प्रोग्रेस के साथ, और प्रोग्रेस के साथ बहुत प्रोग्रेस हुआ है, मैं एक्चुअली मुबारकबाद देना चाहता हूँ सब लोगों, HMS कमेटी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, प्राइवेट टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से एक बात है, यहाँ पे CCTV कैमराज थे, वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट था, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा लैब, ये किसके लिए लगाया, ये लैब किसके लिए बनाया, ये बिल्डिंग किसके लिए बनाई, हर चीज जब आपके लिए बनाई तो यहाँ पे कौन तोड़ता है, बिल्डिंग को कौन नुकसान पहुंचाता है, मुझे बताया। बहुत सारे बच्चे कैमरास तोड़ रहे, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे, आप नहीं चाहते आपके पढ़कर यहाँ से कॉलेज जाने के बाद और बच्चों को स्कूल अच्छे तरीके से मिले, नहीं चाहते कि नहीं और बच्चे आकर पढ़े। ये जो जिस पैसे को हम लगाते हैं यहाँ लगा बनाने के लिए स्कूल को, ये किसका, आप ही का पैसा है, ये दूसरों का पैसा नहीं है। अगर आप कोई चीज तोड़ते हैं तो आप ही के पैसे से इसको स्कूल को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आप आपके घर में जाकर कुछ तोड़ेंगे क्या? क्यों नहीं तोड़ते? वो आपका घर, ये आपका घर नहीं,
और मेरी नज़र में ये भी है कि थोड़े बच्चे यहाँ पर जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और सारी दूसरी चीज़ें जो सब्सटेंस अब्यूज होता है, नशे की जो चीज़ें होती हैं, वो भी मेरी नज़र में आया है कि यहाँ हो रहा है, वो कानूनन जुर्म है, समझ रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको माफ कर दें, लेकिन अभी पूरे मैं जब से एमएलए बना हूँ, प्लेन कपड़ों में पुलिस वालों को सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन बच्चा नशा कर रहा है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पुलिस वाला है, वो आपको देख के जाएगा, कल पुलिस स्टेशन में बिठाएगा, तो फिर आप किसके पास जाएंगे, किस लिए जाएंगे, क्या अच्छा काम करके गए? तो इन चीजों से दूर रहना, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ है सर, वो कम ऐसा मगर है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे सर, इनके लिए स्पोर्ट्स का जी सर टाइम कुछ देना पड़ेगा, यहाँ पे जगह की शायद सिलत है, लेकिन सामने ग्राउंड करेंगे कुछ करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको मेहरबानी कर करिए मत करिए, ये आपके लिए अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। जो चीज खाना है वही खाने से आपको फायदा होगा, जो चीज मना की गई है उसमें नुकसान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीजों से दूर रहेंगे, आप लोग एक आने वाले दिनों के मुस्तकबिल हैं, आप में से कोई मेरी जगह एमएलए बनकर बैठ खड़ा हो सकता है, आप में से कोई एक ऑफिसर बन के यहाँ पे बैठा रहेगा, आप में से कोई टीचर बन के यहाँ पढ़ाएगा, आप में से कोई हम लोगों से बढ़कर मुकाम हासिल कर सकता है। उसके लिए अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो आप में ये सब बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हुए मैं फिर आपको जल्दी मिलूंगा, आपके किसी क्लासरूम में आकर मैं मिलूंगा। इतना कहते हुए मुझे यहाँ पे बुलाया, आप सबको बात करने का मौका दिया, हेडमास्टर साहब को, आपकी मैनेजमेंट कमेटी को, खासतौर से बाबा साहब और मुल्ला साहब और जितने भी कमेटी के अराकीन हैं उनको, और स्पेशली आई वांट टू थैंक द डीजीपीआर, डीईओ, द एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर हैविंग मी कॉल्ड हियर। आई एम ऑल्सो नाउ द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, सो आई विल बी कमिंग बैक अगेन एंड अगेन एंड मीटिंग यू पीपल, सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।